जो होता है अच्छे के लिए होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन डे 5 ऑफ ऑल इंडिया राइड ऑन स्पोर्ट्स बाइक। आज की कहानी थोड़ी अजीब है, लेकिन मैं पहले इस शख्स से आपको मिलवाता हूँ। ये है अरमान, आज की कहानी के हीरो। अगर पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर देखिए। लास्ट व्लॉग में हम जौनपुर से अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए यहाँ पहुँचे थे। जहाँ हमें ये बेस्ट गेस्ट हाउस मिला। अब इस गेस्ट हाउस को बेस्ट बोलने के पीछे का रीज़न ये है कि हमें यहाँ अंदर पार्किंग मिल गई, जिसकी वजह से हमें ना सामान उतारने की दिक्कत हुई ना वापस बांधने की। सीधे बाइक खड़ी करी और रूम में जाके सो गए। मिलते हैं आपसे कल सुबह। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया राइड के डे 5 में आपका स्वागत है। दिन की शुरुआत होती है हमारे होटल से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम समवेयर इन गोरखपुर इन मुजफ्फरनगर हाईवे। हालत बुरी हो गई है चेहरे की, देख रहे हो आप कितने सारे पिंपल्स निकल आए। राइड करने की वजह से है या गर्मी की वजह से, ये आइडेंटिफाई करना है अभी। तो ये था हमारा गेस्ट हाउस, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या रूम तो बाद में देख लीजिएगा, पहले यहाँ के नज़ारे देख लीजिए। ये हमारा हाईवे पे ही मैंने करना सही समझा कि शहर से निकलने में बहुत लेट हो जाता। गोरखपुर से निकल गए हम लोग, यहाँ हाईवे पे हैं। ये आप देख सकते हैं सिंह गेस्ट हाउस का हाईवे पे ही आपको बोर्ड दिख जाएगा। अगर आप यहाँ रुकने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ बहुत अच्छा है, कन्वीनियंट है और बहुत ज़्यादा बजट में। अभी सुबह सुबह हम लोग उठे और हमारे साथ हो गई है ट्रेजेडी दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारे रूम में हुई है, ये आप देख सकते हो। ये देखिए, बहुत सारी चीटी महाराजों ने हमारा पूरा सामान जो है उधेड़ डाला है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं राम मंदिर का प्रसाद अपने बैग में डाल दिया। अब बैग में डालने की वजह से क्या हुआ, बारिश हो रही थी तो ये भीग गया, पूरा लिक्विड फॉर्म में आ गया। और आप देख सकते हो मेरे, ये देखो, हेडफोन्स, कैमरा, इस पे भी लग गया था, अभी साफ किया है जस्ट मैंने। पूरा बैग एकदम ख़राब हो गया और जिसकी वजह से रात भर में चीटियाँ पनप पाई। तो चलिए साफ करते हैं इनको और उसके बाद नहा धो के निकलते हैं। रूम काफ़ी अच्छा था, शांति थी, ठीक था, रात भर सोने के लिए बहुत बढ़िया था। निकलते हैं फटाफट से, थोड़ी बहुत भूख भी लगी है तो रास्ते में अपने लड्डू वगैरह और सत्तू वगैरह यूज़ करेंगे, यूटिलाइज। आज पहला दिन है हमारा ऐसे टूर पे और आज मेनली टारगेट है सिलीगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी के आगे तक रुकने का, वो मैं आपको रास्ते में बताऊँगा। फटाफट से हम तैयार होते हैं और इन चीटियों को साफ करते हैं। तो चीटियों की वजह से हमें थोड़ा लेट हो गया। अब साफ़ सफाई हो ही रही थी तो हमने अपने गैजेट्स और शूज़ भी साफ कर लिए और थोड़ी सी वीडियो भी बनवा ली भैया जी से निकलते वक्त। हाईवे पे भी आपको ऐसे ऐसे प्रजाति के लोग मिल जाएंगे ना, आप खुद देख सकते हो। टोल नाका है, यहाँ से वन वे नहीं है, टू वे है, फिर भी ये महाराज यहीं से निकल के आएंगे। चलिए हम फिलहाल निकलते हैं। रोड काफ़ी अच्छी है लेकिन इसी रोड पे जगह जगह ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं जिसकी वजह से नीचे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है साइड वाले रास्ते से और बहुत ज़्यादा जाम भी मिल रहा है, आप खुद भी देख सकते हो ये। अब इसकी वजह से हमारा जो टाइम ऑफ अराइवल है वो बहुत डिले हो गया है। सिलीगुड़ी तो छोड़िए, हम शायद मुजफ्फरपुर भी ना पहुँच पाए। देखिए क्या होता है क्या नहीं, जहाँ तक भी पहुँचेंगे रिस्की ड्राइव नहीं करेंगे, 6-7 बजे तक होटल वगैरह लेके सो जाएंगे, कल करेंगे बाकी ड्राइव। तो आज ज़्यादा मेरे पास नहीं है कुछ दिखाने को तो मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ। अब आपको लगता है कि मैं वॉइस ओवर क्यों नहीं करता, क्योंकि जहाँ भी मैं आपसे बात करने के लिए रुकता हूँ सब लोग आ जाते हैं और मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। इस राइड में हमें कुछ चीज़ों का बहुत खास कर ध्यान रखना है जो हम इग्नोर कर रहे हैं अभी तक।
जैसे कि पहली चीज ये देख सकते हो आप, देख रहे हो टैनिंग, कलर अलग हो गया भाई साहब। इस टैनिंग से बचने के लिए हमें राइडिंग जैकेट्स पहली बात तो पहननी पड़ेंगी। क्या है कि आदि नहीं हुआ हूँ तो इस राइड में मैं पहन नहीं रहा हूँ ज़्यादा देर तक गर्मी की वजह से, वो मुझे आदत डालनी पड़ेगी वरना बहुत दिक्कत होने वाली है, ये पूरे काले हो जाएंगे मेरे हाथ। और दूसरी जो है वो मुझे अपने घर पे बताने की, इन्फॉर्मेशन देने की टाइम टू टाइम पे, वो आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि उनका जब फ़ोन आ रहा है तब मेरा टाइम क्या हो रहा है। फ़ोन की थी तो हम सो गए थे तो इसलिए फ़ोन नहीं उठाया, हाँ 6-7 बजे तक ही रुक गए थे। इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दोगे भाई लोग बहुत दिक्कत होने वाली है आपको अगली ट्रिप के लिए। तो चलिए राइडिंग जैकेट डालते हैं और निकलते हैं यहाँ से फटाफट, बहुत लेट हो गया है। जहाँ भी रुक रहा हूँ 10-15 मिनट का ब्रेक सोच के रुक रहा हूँ, लेकिन भैया लोग जैसे लोग आ जा रहे हैं मिल ले रहे हैं तो बात हो जा रही है, बट ठीक है, अच्छा है, इसीलिए तो निकला हूँ मैं, सब्सक्राइबर्स बटोरने। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई सब्सक्राइब। अब इस रास्ते के ढाबों पर ज़्यादा यकीन मत करना क्योंकि मैं एक जगह रुका था, इन्होंने रेस्टोरेंट तो अच्छा बना रखा था लेकिन खाना, जैसे तैसे खाना ख़त्म करके मैं आगे निकला तो मुझे इन भैया ने बताया था कि आगे आपको कोसी ब्रिज मिलेगा जिसमें 56 गेट हैं और बहुत सुंदर दिखता है। तो अब कोसी ब्रिज पहुँच के यहाँ की सुंदरता ने हमें इतना एक्साइट कर दिया कि हम तुरंत ही अपना ड्रोन निकालने लगे और हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा। हालत ये छुपाया है मैंने कैसे कैसे करके, पूरा भीग चुका है भाई, वो देख रहे हो कैसे बारिश गिर रही है, देखिए ये देखो कैसे गिर रही है बारिश, वो यहीं से होते हुए गई और यहाँ आसमान साफ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल साफ हो गया, देख रहे हो आप भाई साहब, गजब का व्यू है यार कोशी ब्रिज का, गजब अनुभव। मात्र 1 मिनट अगर मैंने जल्दी अपना ड्रोन उड़ा दिया होता ना तो मैं ड्रोन को अलविदा कह चुका होता, ड्रोन अभी तक मेरे पास नहीं होता, सच बता रहा हूँ मैं। इतनी भयंकर और इतनी जल्दी बारिश आई है कि मुझे मौके तक नहीं मिला है कि मैं अपने सामान को, मतलब जैसे जैसे उड़ गए थे मेरे डब्बे, बस दूर से उठा के लाया हूँ इनको, और पन्नी तो सारी बॉक्स के अंदर पन्नी होती है जिसके अंदर मैं ड्रोन रखता हूँ, वो पन्नियाँ तो गायब हो चुकी है, उड़ चुकी है पता नहीं कहाँ। यहाँ तक मुझे आना पड़ा था बॉक्स लेने के लिए वहां से, समझ रहे हो, भगवान नहीं बचाया मुझे भाई, ये देखो कितनी तेज बारिश गिर रही है वहां पे, यहाँ पे बिल्कुल उजाला, हमें भिगा के ये गई है बारिश, ये जो बादल आप देख रहे हो ना जो जा रहे हैं ये हमें भिगा के गए, ये देखो बिल्कुल साफ मौसम, ये देखिए मेरे ड्रोन की हालत, मैं तो भगवान का बस यही शुक्रगुजार हूँ कि बच गया ये ड्रोन, मुझे नहीं उम्मीद थी कि इस बारिश से बच पाता, तूफान आया था बिल्कुल बच गया, मैं नहीं उड़ाया, मैंने बहुत
बहुत शुक्रिया भगवान जी, आपने ड्रोन बचा लिया मेरा। यहाँ नहीं रहती है, इसके अंदर रहती है, इसके अंदर एक और पन्नी है, लेकिन आज ये बाय मिस्टेक और बाय लक यहाँ पे रह गई, जिससे मैंने अपना ड्रोन सेव किया। तो इसीलिए ब्लेसिंग हमेशा जरूरी है। बस एक मिनट की वजह से हमारा ड्रोन और पैसा पानी में मिलने से बचा। तभी तो कहते हैं जो होता है। कोसी ब्रिज के सदमे से हम बाहर निकलकर हम आगे बढ़े। रास्ते में हमने पेट्रोल फ्यूल करवाया, और अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे दिन का बजट होता है, तो आप देख सकते हो, क्योंकि ये हमारी ऑल इंडिया राइड है बट बजट में। आपको यही सब बताते बताते हम आगे बढ़ रहे थे। अंधेरा घना होता जा रहा था और हमें मुजफ्फरनगर के हाईवे पर होटल नहीं दिख रहे थे, और रात में ड्राइव करना बेसिकली अवॉइड करते हैं हम। अब होटल ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ ही रहा था, तभी मुझे दिखे एक राइडर जो अकेले इस तेज रफ्तार वाले हाईवे पर रुके हुए थे। मैंने सोचा इनकी भी मदद कर दी है। अब रॉन्ग साइड में वापस आने के बाद जब इनसे पूछा तो पता चला कि ये हैं अरमान और ये यहीं रहते हैं। क्या हो गया भाई? अरे तेल तो हो रहा है यार, पेट्रोल पंप किया तो रहा। अरे महाराज, रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर में काम करते हैं और ये बाइक लेकर गए थे किसी की बाइक रिपेयर करने, और वापस आते वक्त इनकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया और ये यहीं पर इंतजार कर रहे हैं अपने मैनेजर का। तो बस क्या, पेट्रोल पंप बगल में ही था तो मैंने बोला मैं डलवा देता हूँ पेट्रोल, चलिए। और बातों बातों में इनको जब पता चला कि हम होटल ढूंढ रहे हैं तो इन्होंने हमसे घर चलने की रिक्वेस्ट करी, और हमारे पास भी कोई अदर ऑप्शन ना होने की वजह से इनके घर जाना सही लगा, क्योंकि रात में ये हाईवे और भी ज्यादा खतरनाक है। इन्होंने घर ले जाकर बहुत अच्छी खातिरदारी करी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम अभी फॉरबेसगंज में थे, जो मुजफ्फरनगर से पहले ही पड़ता है, और जब ये हमें अपनी लव स्टोरी सुनाने लगे तो हमें पता चला कि नेपाल बॉर्डर बस यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे है। बस फिर क्या, अगले दिन हम घूमने निकल गए नेपाल। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वो व्लॉग कल आएगा। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, और हाँ, अगले व्लॉग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नेपाल का झंडा।